पूर्णिमा नामक एक सुंदर सी लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिताजी का नाम विश्वास था और माँ का नाम सौम्या था। पूर्णिमा गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका मन धन से नहीं बल्कि नैतिकता और सच्चाई से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अनगिनत सपने थे और उसका सपना था कि वह अपने गांव को और भी विकसित और समृद्ध कर सकती है। पूर्णिमा का गांव एक सुंदर पहाड़ी के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और उनमें एकजुटता की भावना थी। लेकिन एक दिन एक अनजान यात्री गांव में आया और गांव वालों को एक रहस्यमय चीज के बारे में बताने लगा। उसने कहा कि उस चीज का नाम था नैतिक पत्थर। वह बताया कि यह पत्थर सच्चाई और नैतिकता की शक्ति से भरा हुआ है और जिस जगह पर भी रखा जाता है वहां अच्छाई और न्याय की बढ़त होती है। गांव वाले ने उस यात्री से एक नैतिक पत्थर मांगा और उसे गांव के केंद्र में स्थापित किया। पूर्णिमा ने भी इसे देखा और उसमें अजीब सी शक्ति महसूस की। उसने तय किया कि वह इस पत्थर की मदद से अपने गांव को और भी सुंदर और नैतिक बना सकती है। पूर्णिमा ने गांव वालों को एकजुट करके एक साथ काम करने का आदान प्रदान किया। उसने एक स्वच्छता अभियान चलाया, पेड़ पौधों का समर्थन किया और बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाया। वह गांव के बच्चों को नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कूल भी स्थापित करने का सपना देखती थी। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। लोग अब एक दूसरे के साथ समझदारी और आपसी समर्थन में बढ़ गए थे। गांव का माहौल बहुतंत्रता और नैतिकता के आधार पर खड़ा हो गया था। पूर्णिमा ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सफलता प्राप्त की और गांव वालों को साथ लेकर एक नया युग शुरू किया। उसकी कहानी ने सिद्ध किया कि नैतिकता और सच्चाई की शक्ति से कोई भी मुश्किलें आसानी से पार की जा सकती हैं और इन मूल्यों को अपनाना हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।